केंद्र की मोदी सरकार ने इस वक्त यूपी के साथ साथ पूरे देश में माहौल भक्तिमय कर दिया है। बीजेपी नेताओं को लोकसभा चुनाव के साथ साथ जिस ऐतिहासिक पल का सबसे ज्यादा इंतजार है वो है रामनगरी में बन रहा भव्य और दिव्य राम मंदिर। इसी बीच राम मंदिर के निर्माण को लेकर अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने बहुत बड़ा बयान दे डाला। सहारनपुर के देवबंद पहुंचकर जब पत्रकारों ने उनसे इस पर सवाल किया कि राम मंदिर पर बीजेपी अपना श्रेय ले रही है, तो शिवपाल ने कहा, राम मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेश पर हो रहा है, इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। देखिए, कोर्ट के आदेश पर ही बन रहा है। अब बीजेपी तो श्रेय ले रही है, लेकिन बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन मंदिर बन रहा है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने ये भी बताया कि उनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अब तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसमें शिरकत करने के लिए पीएम मोदी समेत कई हस्तियों को न्योता भेजा गया है। अभी तक निमंत्रण तो नहीं भेजा है, अब कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है मंदिर। सुना आपने, शिवपाल ने दोबारा से वही बात दोहराई कि कोर्ट के आदेश पर ही राम मंदिर बन रहा है। इसके आगे शिवपाल ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी बयान दिया। बोले, कोर्ट जो फैसला लेगा उसका सम्मान किया जाएगा। देखिए, अब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश को तो मानना ही है, उस पर तो कोई कमेंट करना नहीं है। अब फैसला तो बाद में कोर्ट देगा, अब जो भी कोर्ट फैसला देगा। मीडिया से बात करते वक्त सपा के वरिष्ठ नेता ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। कहा, आज देश बस पूंजीपतियों के हवाले है। सब पर कब्जा, संस्थाओं पर कब्जा, और जितने मुनाफे वाले और पूरा मतलब देश में केवल बस पूंजीपतियों के हवाले देश चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिवपाल ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई न कोई बड़ी प्रतिक्रिया आनी तय है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राम मंदिर बनाने का श्रेय हमेशा से खुद लेती आई है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर बयानबाजी और मुखर हो सकती है।